को भी खर्चा नहीं करती, बस वो फर्क इतना है कि जब मैं इन इंसान के साथ होती हूँ तो मैं इनका खर्चा बहुत कराती हूँ। एग्जैक्टली ऐसे गाइस, ये गोबर से बनता है, इसको क्या बोलते हैं वहाँ, गोबर का ढेर, ये घास नहीं खेत हैं ये। गाइस आज हम लोग घूम रहे हैं हमीरपुर की गलियों में। Why not looking at camera? I'm shy, you know. या पता मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी मम्मा सारे कैमरा शाय हैं, मैं ही एक बच्चों जैसी लगी रहती हूँ। बाई द वे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग अभी हमीरपुर में हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी सूरज स्वीट शॉप, जो कि बहुत फेमस शॉप है यहाँ की। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं एक्चुअली चाट पापड़ी खाने, और मेरे पीछे धूप आ रही इसलिए थोड़े बढ़िया नहीं आ रहे हम, बट फिर भी चलते मेरे साथ। आज हमने जाना है वैसे कांगड़ा। तो गाइस हियर्स द सूरज स्वीट शॉप, यहाँ पे जाएंगे अब हम लोग। आती रहे तो यहाँ पे बहुत फेमस, मतलब मुझे तो पसंद है गोलगप्पे, बहुत अच्छे लगते हैं। Here's me. Here's she. आज वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। ओके हैव अ सीट, बैठ जा। थैंक यू। प्रिंसेस ट्रीटमेंट बाय माय सिस्टर। तो मैं अपनी बहन के साथ बहुत कम टाइम पे होती हूँ अभी है तो, सॉरी मम्मा सॉरी पापा, हम थोड़े पैसे खर्च कर रहे हैं खाने में। रसमलाई तो मेरे पापा की भी बहुत फेवरेट है, वो यहाँ पे जब भी आते हैं ना खा के जाते हैं। चुपी हुई बात करते रहने होता है, कैमरा पे कुछ नहीं होता है। गाइस चाट पापड़ी, इट्स वेरी लजीज गाइस। भाई अभी साइड को धो पाएगा, अब यहाँ पे हम बढ़िया देखते हैं। पता हम लोगों ने ऐसे कान में डाले, आप इसके कान में देख सकते हो। तो जब हम कैमरा ऑन कर रहे ना तब गाने बंद हो जाते, क्या ही करें क्योंकि गाने बंद हो जा रहे हैं जब हम कैमरा ऑन कर रहे हैं। तो तू भी बात कर रहे कैमरा में, कुछ तो बोल, ऐसा नहीं होता। मेरा बस सोचा गाइस मुझे कुछ नहीं आता था कैमरा के सामने बोलना। गाइस हम आज हमीरपुर में, बोल गाइस हम आज हमीरपुर में आए हैं और मैं अपनी बहन के साथ बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग जाएंगे कांगड़ा, बिकॉज हमें जाना है घर मम्मा पास। लोग हमें ऐसे देख रहे जैसे पता ही अलग मार्स से प्राणी उतर के आ गए। हाँ यहाँ ब्लॉगिंग बहुत कम करते हैं ना गाइस, इसलिए और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करना चलो कर ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैंने स्टार्ट तो घर से कर देती, बट मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी, फिर अब मैं कर ही रही हूँ तो मैं सोचा कर ही देते हैं अब। तो अभी चलते हैं, अभी हमें लेना है मम्मा के लिए स्कार्फ, तो अभी वो देखेंगे हम। और मैं आपको साथ में हमीरपुर की मार्केट ये भी बता दूँ गाइस, ये हमीरपुर का बॉयज़ स्कूल है और इसके आगे इसी रोड पे जाएंगे तो गर्ल्स स्कूल आते हैं, और यहाँ पे भी ये गोलगप्पे तो मिलते हैं, ये मिलते हैं 20 रुपीज़ के, बट मेरे फेवरेट तो वही हैं 40 वाले। रुक जा पीछो आ जा। सो गाइस दीज आर द गलियाँ, गलियाँ क्या मतलब मैं घूमूँगी हाँ, जिसमें जिसमें क्या यहाँ पे एरिया जैसा, यहाँ पे अभी हमने मम्मा की स्कार्फ देखना है। गाइस हमें स्कार्फ नहीं मिला और घूम लिए हैं हम बहुत,
और हमें कुछ छान मारा है, हमें एक रेड कलर का स्कार्फ नहीं मिल रहा है। हाँ, जो कलर चाहिए था, बिकॉज रेड में बहुत सारी शेड्स होती है ना, फिर हमें वो नहीं मिला। और धूप बहुत ज़्यादा है, शिमला में इतनी धूप नहीं होती है, यहाँ तो मैं जल जाऊँगी, काली हो जाऊँगी। गाइस इतनी अच्छी गोरी हो जाती है धूप की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गाइस यार गर्मियाँ तो अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। मैं तो धूप में मर रही हूँ, सनस्क्रीन भी नहीं लगाई है, काली हो जाऊँगी मैं गाइस, काली। हमीरपुर का बस स्टैंड, हम बैठे हैं यहाँ पे हमीरपुर के बस स्टैंड के अंदर, बिकॉज हमारी बस अभी आएगी 2:05 पे, तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे इन्होंने पंखे लगाए तो हैं, लेकिन पंखे ऑन नहीं करे हैं। कितनी सुंदर आ रही है, वाओ वेरी सुंदर यू नो। ये है कुछ हमीरपुर का बैठने वाला एरिया, मतलब बस स्टैंड का, और यहाँ पे इधर अलगी होती है बस। कांगड़ा पहुंच चुके हैं, हमें टांडा जाना है क्योंकि वहाँ हमारी मम्मा। और मैं आप लोगों को बताऊं, पिछले 2 दिन में मैं शायद 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुकी हूं। मतलब पहले मैं शिमला में थी, कल मैंने सोलन क्रॉस किया, फिर मैं बिलासपुर पहुंची, बिलासपुर के बाद आज मैं हमीरपुर में, और आज ही मैं कांगड़ा भी पहुँच चुकी हूँ। भाई देख रहे हो तुम कितनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर ली मैंने, और यहाँ पहुँच गई। इतना सफ़र हो चुका है ना कि अब वो मर जाऊँगी मैं, जल्दी से घर पहुँचा दो यार कोई। तो मैं आप लोगों को बताऊँ एक और चीज़ कि अगर आप किसी गर्म इलाके में जाते हैं तो पता कैसे चलता है कि आप गर्म इलाके में पहुँच गए। कैसे पता चलता है कि आप गर्म इलाके में पहुँच गए? वो गर्मी नहीं, आपके बॉटल का पानी जो है ना वो गर्म हो जाता है, इसका मतलब आप गर्म इलाके में पहुँच चुके हैं। गाइज यार तो मैं अब टांडा पहुंच चुकी हूँ, फाइनली गाइज। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास, ये मेरी बहन, अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम, यहाँ आइसक्रीम खानी है इसको, गर्मी हो रही है गाइज बहुत ज़्यादा, खानी तो मुझे भी है आइसक्रीम। गाइज तो हम मिनी स्टोर आए हैं जस्ट फॉर आइसक्रीम। कौन सी खानी? बटरस्कॉच, डार्क चॉकलेट में बटरस्कॉच ले लेते। तो गाइस ऐसी बहन सबको दे सो स्वीट। गाइस मेरी बहन आगे जा रही है, आइसक्रीम खा रही है। ये घास नहीं खेत है ये। वो अलग बात है, ये सो गई है। गाइस ये सारी चीज़ें आपको शायद ऊपर आज हमसे शिमला की साइड नहीं मिलेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लहसुन। ये है लहसुन गाइस, यहाँ पे बीजा नहीं है कुछ, ये हमारी वीट है, वीट फ्लोर जिससे बनता है हमारा। और ये पता नहीं क्या है, आलू है। अच्छा ये आलू है, ये प्याज। अच्छा ये प्याज है गाइस, इनको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में क्यारियाँ। दिख रहा होगा अब वापस इनमें से एक घर वहाँ पर है जहाँ पर हमें जाना है। गाइस मैं बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती, बस वो फर्क इतना है कि जब मैं इन इंसान के साथ होती हूँ तो मैं इनका खर्चा बहुत कराती हूँ। ऐसे गाइस अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी आपको मेरे व्लॉग में कहीं नहीं दिखेगा कि मैं बर्गर खा रही हूँ कि कहीं मैं मोमो खा रही हूँ। मोमो दिख भी जाए शायद आपको महीने में एक आधी बार, पर नहीं। या चलो लेट्स मीट। ये देखो, ये देखो, ये हमारी चेरी। और कितनी छुट्टी? 10 दिन की।
सारा को साई को हम बड़ी को और कैसे चलेंगे चिरू लुक ये देखो मैं भी नहीं देखी क्यों अच्छे बच्चे और दीदी के पास है छुटकू उधर ही है मिन्ना हाँ जी छुटकू उधर ही है छोटा दीदी का बेटा उधर ही है चेरी ये भी मुझे इसलिए देख रही क्योंकि मैंने इसको प्यार नहीं किया चलो मेरे साथ हेलो करेगी चलो हेलो चलो देखो गंदी बच्ची हेलो हेलो हाँ मैं गाइस देखो माँ और बेटी का प्यार मैं अभी दूर से आई हूँ देखो पर्स ले लिया मेरा मेरे दोस्तों ने गिफ्ट करा था देखो तो यही चाहिए अब चलो ठीक है मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ एंड हेल्दी बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग